तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे राहुल रिकॉर्ड ब्लॉग में। तो आज मैं आपको मेरठ आया हूँ, मेरठ आपको मेरठ कॉलेज दिखाता हूँ, मेरठ कॉलेज मेरठ। तो ये मेरठ का कॉलेज रहा पूरा, आप देख सकते हो सामने कैंटेरिया है और इसके साइड में यहाँ पे। तो ये कितनी शताब्दी बना हुआ है, शताब्दी द्वारा 1962 में बना हुआ है ये कॉलेज, अंग्रेजों के जमाने का, जब जो है देश में आज़ादी की बात कही बदगरी ठहर के थोड़ा। तो इसके जो कॉलेज का स्थापना देख सकते हो, मेरठ कॉलेज मेरठ 1892 का बना हुआ है, पूरे पीछे देख सकते हो मेरठ कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज का जो नक्शा भी बन रखा है, मैप में दिखा देंगे आपको, इधर का ले लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर कॉलेज काफ़ी पुराना है, पेड़ पौधे भी देख सकते हो, इतना एकदम ग्रीन नेचुरल लग रहा है, नेचुरल प्राकृतिक। तो यहाँ पे मैप दे रखा है कि प्रतिमा दिखाते हैं कौन सा में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो गांधी जी की स्मारक सन भी दिखा दो। सही है, सही बस कर लो वापस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरठ कॉलेज मेरठ है, यही कॉलेज है जहाँ से मैंने भी अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और आप भी चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर प्राइवेट करना है तो इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई जहाँ पे और अच्छा रिजल्ट मिलता है, या फिर CCS यूनिवर्सिटी हो गई, चौधरी चरण सिंह CCS यूनिवर्सिटी जो है, जिसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ कॉलेज मेरठ कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो अलग है, ये मेरठ कॉलेज मेरठ है। तो इसमें मेरिट लिस्ट वगैरह लगती है, आप भी अगर 12th कर चुके हो, आगे एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरठ आइए, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, यहाँ आपको घूमने को देखने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर आने चाहिए तो अच्छे नंबरों के लिए, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा, पहले इस कॉलेज के बारे में देख लीजिए अच्छे से, जान लीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आ जाइए मेरे साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पुस्तकालय, तो ये पुस्तकालय है इस यूनिवर्सिटी का, लाइब्रेरी, यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो अगर एडमिशन कराते हो, नहीं तो इंजॉय के लिए देखना चाहते हो तो साथ में पूरे पिक्चर देखना, पूरी वीडियो देखना, और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, आ जाइए। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए छात्र कल्याण परिषद। तो यहाँ पे जो एक छात्रों का पूरा क्लासमेट चलती है, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जूम करके दिखा दो जरा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है क्योंकि छुट्टी का दिन है, और हम आए थे यहाँ पे घूमने, तो घूमने का घूम रहे हैं तो घुमाते हुए लेके आएंगे। थोड़ी स्टाफ करियो, स्टाफ म्यूजिक लगा दूंगा मैं, चलो ऐसी बनाते आइयो। अरे भैया बना ले, तू काहे को डर रहा है, मुझे दे बंद कर। इधर का दिखा दियो, फूलों की फुलझड़ी दिखा दो, देखिए कितना अच्छा, मतलब फिलो में एकदम काफ़ी बड़ा कॉलेज है। कॉलेज तो बड़ा है ही, और यहाँ पे फुलवारी यानी कि नेचुरल एकदम प्रकृति, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति हैं, हरे हरे पेड़ हैं, हरियाली है, पार्क हैं, कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं अभी शाम के टाइम पे। थोड़ा पास आ जाओ क्योंकि दूर से दिखेगा, बोलूँगा तो दिखेगा नहीं। तो ये कुछ मंच है इस कॉलेज का, यहाँ पे लॉ हो गया, यहाँ पे संस्कृत प्रोग्राम हो गए बहुत सारे, तो संस्कृत कार्यक्रम के लिए यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, यहाँ पे जो है हमारे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, जो भी प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे वो यहाँ पे होते हैं। ये स्टेज है पूरा, इस साइड देखोगे तो कितना अच्छा, मतलब एकदम फ्लो आएगा, एकदम ग्रीनरी पूरी, इधर पेड़ पौधे हैं और भी बहुत सारा। ये कॉलेज बहुत पुराना ही है, बंद करिए आपने। तो अभी आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिया, अब आगे आइए, आगे दिखाते हैं। ये सामने जो पड़ेगा, अभी ये आप देखोगे सामने, तो लॉ की लाइब्रेरी है यहाँ पे, विधि पुस्तकालय लाइब्रेरी। तो जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं पुस्तकें वगैरह। इधर भी देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इधर चलते हैं आगे, ठीक है। अभी इसका आप बोर्ड देख सकते हो, लॉ जो कि यहाँ पे कब ये बना था, 6 जनवरी 2013 में बना हुआ था, थोड़ा जूम करके दिखा दो।
और यहाँ पे कोई भी नई मेरिट लिस्ट वगैरह भी लगती है, जैसे कि आपने एडमिशन लिया आपको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे हर गेट के आगे जिसका स्टूडेंट होगा वहाँ पे ऐसे इस तरह से बोर्ड मिलेगा जिसपे यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह भी लिखी रहती है, बच्चों को नोटिस बोर्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख रहे हो जो कच्छ भी चलता है जैसे प्रशस्वी खंड एवं विधि संस्काय, उसके बाद आता है आखंड जिसमें विधि संकाय ब्लॉक वगैरह जो भी दे रखे हैं, लौ का अलग दिया है, इसका अलग दिया, लौ का यहाँ पे वेदी संस्काय, ये अलग अलग जो है क्लासेस का वो है नोटिफिकेशन। तो ऊपर से आ जाओ, थोड़ा ऊपर दिखा देते, सेकंड फ्लोर के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ऊपर आ जाइए, अभी क्योंकि कॉलेज बंद है तो इधर देखिए, ये सेकंड फ्लोर का कॉलेज की साफ सफाई के बारे में देखो तो एकदम साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ पे छुट्टी है इस चक्कर में नहीं। तो सामने इसके फ्रंट एकदम पार्क दे रखा है कॉलेज के जस्ट सामने, यहाँ पे क्लास के सामने ये पार्क है। तो ये पार्क देखो कितना सुंदर पार्क है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, अपने बुक रीडिंग कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो, यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहो तो फैमिली के लिए ला सकते हो, घुमा सकते हो, और बहुत ही बढ़िया पार्क है। आगे चलते हैं, इसके पीछे जो जस्ट गांधी जी का एक लगा हुआ पेड़ है वो भी आपको दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। आवाज क्लियर ही नहीं आएगी उसमें, थोड़ी पास रहेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाइए, यहाँ पे एक भूगोल विभाग और एक अपार्टमेंट है, संख्यांकीय विभाग, स्टेट गैलरी, संख्यांकीय विभाग और भूगोल विभाग। तो इस तरह से यहाँ पे जो पशु पक्षियों का ढांचा वगैरह नहीं रहता, पूरा भूगोल एकदम लेबोरेटरी बना रखी है इसके अंदर, अभी ताला लगा हुआ है, हम अंदर से नहीं जा सकते, बाहर से आपको दिखा सकते हैं पूरा, काफी बड़ा बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे देखो पंछी भी है, मोर है और भी पक्षी हैं। तो यहाँ पे पेड़ भी देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा फुलवारी जो है, बड़े बड़े पेड़ हैं जो यहाँ पे, कितने बढ़िया फूल लग रखी है। उसके बाद आगे दिखाते हैं, यहाँ पे एक मिलिट्री का टैंक भी रखा हुआ है, रुक करो कारगिल के। तो दोस्तों एक और भी स्टेटस चीज़ दिखाता हूँ, जो कारगिल की लड़ाई का यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हो, तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि NCC का विभाग है, जहाँ पे जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जहाँ पे हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद जो टैंक आया था उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे क्लासेस चलती है बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है प्रैक्टिकली एकदम दिखाने के लिए कि किस टैंक से हमने जो जंग लड़ी थी, और कौन सा जो हमारा जो टैंक हुआ था वो लड़के आया था, जंग जीत के आया था, तो ये दिखेगा आपको। तो दोस्तों यही वो टैंक है जो कारगिल के युद्ध में जंग से लड़के आया हुआ है। उसके बाद पूरा जो है यहाँ पे प्रशिक्षण शिक्षा के लिए चलता है, बच्चों को बताया जाता है इस टैंक के बारे में। तो आपको टैंक जरा इसके सलाखों के अंदर से थोड़ा दिखा दो फ्रंट में, एट फाइव गुणे 215 IE कुछ है। इस टैंक के बारे में कुछ और भी यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें बोर्ड में। बस बस बहुत आ जाओ, अब भाई से बना आ जा सामने जाओ, नीचे नीचे नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टूडेंट। तो ये डिफेंस स्टूडेंट जो रक्षा के विभाग के वो स्टूडेंट होते हैं, वो उनके लिए बताने के लिए पूरी, यहाँ पे कुछ फोटो भी दिखेंगे वो आपको दिखा रहे हैं अंदर आके, जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो स्पेशल जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे फोटो दे रखे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देना। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस तरह से आपको काफी ब्लॉग आपने देखे होंगे, पर इस तरह का ब्लॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस ब्लॉग को फॉलो करिए, साथ में बने रहिए हमारे साथ, राहुल रिकॉर्ड करके नाम, राहुल रिकॉर्ड ब्लॉग करके नाम है ये इस चैनल का। तो अभी आप ऊपर देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय NSS ऑफिस। तो यहाँ पे इसका सनद दिखाते हैं, कितना प्राचीन जो है कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पे कुछ सनद लिखी हुई है, देखिए
मेरठ कॉलेज यूनियन विवाह भवन शिलान्यास इस तरह के, उसके बाद संधि है नीचे 1949 सन 1949 का हुआ, बना हुआ है ये। आगे आ जाइए, अब आप यहाँ पे एक बोर्ड देख सकते हो कार्यालय, ये इसका कुछ सीरीज बोर्ड बना आरक्षित है। और यहाँ पे एक और बोर्ड है, यहाँ पे इतिहास विभाग हिस्ट्री का पूरा यहाँ पे जो कार्यालय में रखा हुआ है सन 125वें जयंती वगैरह यहाँ पे लिख रखा है। ये तो अभी नया बोर्ड लगा है क्योंकि नया बना है ये, बाकी पुराना बना हुआ है। ये जो अपार्टमेंट है अभी नया बना हुआ है। अब आपको इस जो कॉलेज है इसकी सबसे प्राचीन बिल्डिंग दिखाते हैं, तो ज़रा जाइए क्योंकि काफ़ी पुराना है तो खंडर सी बन गई है ये पूरी। नया नया जो जिसकी रिपेयरिंग चलती रहती है उधर चलता रहता काम। बाकी इधर आप देखोगे थोड़ा तो एकदम कूड़ा कचरा कर कर पड़ रखा है, पूरा ये खाली पड़ा है इस समय। और यहाँ पे देखिए इसका गेट देखिए, ऊपर लिखा है हिंदू क्या बंद हिंदू बोर्डिंग हाउस, ऊपर जो लिख रखा है हिंदू बोर्डिंग हाउस काफ़ी पुराना है ये, जिससे किला का हिसाब से होता है। गेट देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा गेट है, आज की डेट में तो बहुत कम ऐसे गेट मिलते हैं, वो भी मिलेंगे प्रोफेशनल में मिलेंगे। तो यहाँ पे अंदर नहीं जाए, गेट के बारे में बताओ तो ये कब का बना, सन 1910। जूम थोड़ा हो नहीं रहा, क्लियर दिख नहीं रहा, सन आपको दिखा दें, देखिए सन ये है 1910 इंजलाट सियारी फटरी वीडियो। मुख्य कार्यालय शाब्दी द्वार विज्ञान संस्कारालय कॉलेज जो होते हैं यहाँ पे कॉलेज में पहले बोर्ड लगा देते हैं क्योंकि बच्चों को अगर ढूंढने में किसी चीज़ की परेशानी ना हो तो यहाँ पे इस तरह से लिख रखे हैं हर चीज़ का विभाग कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। तो बच्चे जो आते हैं सीधे बोर्ड देखते हैं, बोर्ड देखने के बाद अपने अपने जो है क्लास में यहाँ पे जहाँ पे क्लासेस चल रही है वो लेनी होती है या फिर कुछ और भी अदरवाइज चीज़ें हैं यहाँ पे ले सकते हो। ये वाणिज्य का विभाग है, वाणिज्य का। चलिए अब आपको हम ये डिपार्टमेंट के नाम बताते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर सबसे, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, उसके बाद अंदर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सामने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है पूरा अपार्टमेंट है ये सामने इस तरह से, ये देख सकते हैं आप सामने लिखा है कुंदलाल स्मारक कच्छ। तो इसके बाद आगे तो ये पूरी जो बनावट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। इसके बारे में अगर आपसे जितना भी मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा नहीं नॉलेज, क्योंकि जब हम आप पैदा भी ना हुए थे उस समय की ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो कितनी ज़्यादा। तो ये आप पूरा जो पूरा कॉलेज देख रहे हो ये बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है कॉलेज, क्योंकि अब की नहीं है ऐसी बिल्डिंग, आप कहीं पर देखोगे इस तरह की बिल्डिंग नहीं होती है। एकदम जो आज की टाइम में बनाते हैं जो इंजीनियर बनाते हैं वो अलग टाइप की बनाते हैं, जो पहले के जो किले बनाते हैं पहले जैसे लाल किला हो गया बिल्कुल सेम उसी का डिज़ाइन वैसा ही ले, एकदम कलर भी वैसा ही है। और भी आपको एकदम किले के जैसे हम आपको आगे दिखाएंगे, जो ऑफिस है आगे कार्यालय है, ये वेतन विभाग का सैनिटरी समिति है एक अलग कार्यालय। उसके बाद सामने आप देखिए एकदम लाल किले के जैसे जो स्मारक रहते हैं लाल किले में, लाल किले का कलर देख लो, लाल किले की जो ऊपर की गुम्बद जो टोपी जो मंदिर टाइप का बना होता है एकदम सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। तो इधर से ना थोड़ा इधर से आके चलते हैं, चलेगा। अब आइए मैं आपको फ्रंट में दिखाता हूँ पूरा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों से पूछते हैं इस कॉलेज के बारे में, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो बेटा? जोहार क्वार्टर में, जोहार क्वार्टर में। यहीं पे जोहार क्वार्टर में, जोहार क्वार्टर, जोहार क्वार्टर। तो यहाँ पे कैसे घूम रहे हो आप शाम को? बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, कैसे कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। बहुत पुराना कॉलेज है, शानदार कॉलेज है, मेरे फादर भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, और बस यहाँ पे हम खेलने भी आते हैं। अच्छा, अलाउड है यहाँ पे शाम को, कोई भी आ सकता है, कोई भी वॉक करने अगर भी। हाँ, अगर छुट्टी टाइम पे हो तब भी कोई आ सकता है अपनी हाँ। फैमिली को लेके। तो यहाँ पे रोकथाम नहीं है, आप अगर वैसे घूमना चाहते हो कॉलेज को पहले देखना चाहते हो, अगर आपने एडमिशन लेना है यहाँ पे तो देखना चाहते हो तो पहले कॉलेज को देख सकते हो। जैसे ये बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे घूमना अलाउड है, तो आगे आ जाइए। अब हम आपको दिखाएंगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह। तो इधर आ जाइए, यहाँ से चलते हैं आगे। सामने प्रतिमा लगी हुई है शहीद भगत सिंह,
तो इस प्रतिमा की जो स्थापना है मैं वो आपको वो दिखाना चाहूँगा। सन 1980 के आसपास है, थोड़ा जूम ले लो, 79 से 79-80 देख लिया। अब मैं आपको कॉलेज का जो है मेन ऑफिस दिखाता हूँ फ्रेंड का, जो आप अगर एडमिशन लेते हो ऑफलाइन यहाँ पे आप एडमिशन लेते हो आके तो यहाँ से फॉर्म वगैरह मिलते हैं मेन ऑफिस, जो यही है कॉलेज का मेन ऑफिस। तो दोस्तों ये पूरा जो है सामने ऑफिस है, उसके बाद में यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है प्रतिमा जिसे बोलते हैं, और ये पीछे जो है फ्रंट हमारे फ्रंट ऑफिस है मेन कार्यालय। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको दिखाने के बाद ही इस साइड का आपको दिखा दिया है पूरा कॉलेज, इधर से आपको हमने घुमाते हुए सामने लेके आए हैं, और इधर इसका जो आपको सामने दिखाएंगे मेन गेट हो गया, जो फ्रंट गेट इसके 4 गेट हैं। तो वीडियो हमें बताइए कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो यहीं पे वीडियो लास्ट ख़त्म करते हैं, ओके धन्यवाद।